इस करबला से पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं। बुखारी मुस्लिम में दायरे माउना का वाकया मिलता है कि 70 आलिम सहाबा, हाफिज सहाबा 70, जो हुजूर ने तबलीग के लिए भेजे, उनको धोखे से शहीद कर दिया गया। 70 सहाबा, यहाँ पर भी 72 हुए, वहाँ पर भी 70 हुए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे उहद में शहीद होने वालों से भी ज्यादा इन सहाबा का दुख था। क्यों? क्योंकि ये आलिम सहाबा था, ये बाकी लोगों को तबलीग करते थे, हत्ता कि सहाबा भी इनसे पढ़ते थे। तो ऐसे सहाबा शहीद हुए, ये सारी चीजें पहले हो चुकी है। सहाबा ने भी कुर्बानियां दी हैं, अहले बैत ने भी कुर्बानियां दी हैं, किसी ने कमी नहीं की। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखो, माँ बाप को छोड़, माँ तो मुसलमान हो गई थी, बाप जो है लेट मुसलमान हो गए, औलाद अब्दुर्रहमान बाद में मुसलमान हुए, जंगे बदर में अपने बेटे के खिलाफ लड़े। सहाबा ने भी ये सब कुर्बानियां दी हैं, अहले बैत ने भी सब दी हैं। असल बात यह है कि जिसको जिस वक्त पुकारा है ना अल्लाह ने उसके रसूल ने, उसने उस वक्त नबैक कहा। तो इस मौका पर पुकारा ही मांगे शाम को गया था। मैं बात आपको मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल करें, तो ये सबसे ज्यादा होता ना हमारे, मैं मुखालिफ तो नहीं कहूँगा कि हमारे उम्मत के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि भाई वो क्यों नहीं आए, ये आके बच्चे शहीद कराए तो सहाबा क्यों है। एक तो उनके साथ सहाबा भी मौजूद थे, रिवायात में मिलता है कि 8 सहाबा शहीद हुए, ताबईन भी थे, 21 लोग या 19 लोग अहले बैत के मुख्तलिफ रिवायात हैं, और बाकी जो थे वो अहले बैत के अलावा उनके साथ लोग मौजूद थे जो बहुत शहीद हुए। असल बात ये थी कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम में हदीस है कि इस बात में हमें राय बराबर भी शुबा नहीं था, राय बराबर भी शुबा नहीं था कि हुसैन को शहीद किया जाए। भाई ये सारी अहदीस पहले बयान हो चुकी थी। हज़रत अबू हुरैरा 61 हिजरी से पनाह मांगते थे कि अल्लाह मुझे इस वाकया के होने से पहले उठा ले, कि कहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कुछ कर ना सकूँ तो मैं क्या जवाब दूंगा। यानी सहाबा तो इस दौर से भी बचे थे कि हम इस दौर से पहले उठा लिए जाए, सबको पता था कि ये होना है। और सहाबा मना फरमाते रहे, अब्दुल्लाह बिन मुती, अब्दुल्लाह बिन जाफर अपनी बहन के भाई, अहले बैत में से मना फरमाते रहे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर के मुतल्लिक मिलता है, जिनमें सबसे ज्यादा इतराज़ किया जाता है, उमर के बेटे, उनके बारे में तो मिलता है कि उन्हें पांव तक पकड़े थे, हुजूर अब ना जाएं आपके साथ, ज्यादती हो गई, इससे पहले आपके वालिद के साथ भी हो चुकी है, उनको भी बुलाया गया था और उन्होंने शहीद कर दिया, तो आप ना जाएं। यानी बात ये थी कि सबको पता था कि ये होना है, रोका भी, लेकिन इस वक्त डिमांड जो थी वो ये थी कि हुसैन वहां पर जाएं। और उसकी वजह क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बातें बयान कर चुके थे। आप फर्ज करें एक लम्हे को कि अगर इमाम हुसैन वक्त को देखते हुए, मसलहत को देखते हुए, अपनी जान को बचाते हुए, औलाद को बचाते हुए ना जाते, ये होना तो मुमकिन नहीं है, दीन में अगर मगर नहीं होता। लेकिन इंसानियत के फितरत के अतबार से एक सवाल आता है कि अगर वो ना जाते तो क्या होता, तो फिर दीन यहाँ पर कायम ना होता। ये हम अलग बातें करने के, नमाज बचाई, दीन बचाया, असल बात ये थी कि इन तमाम वाकयात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर चुके थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर आए, वो मट्टी लेकर आए करबला की, वो सारी बातें बयान हो चुकी थी। अगर ऐसा ना होता तो फिर उस दीन की उस हदीस पर और वो जो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ बता दी गई थी उसका क्या एतबार रहता। आज लोग दीन पढ़ते, बल्कि आज क्या से पहले दीन में लोग छोड़ जाते हैं कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने बताया था कि ये होगा तो ये तो ना हुआ। यानी इमाम हुसैन को भी पता था, तमाम सहाबा को भी पता था, लेकिन उस वक्त जो अल्लाह और उसके रसूल की डिमांड थी वो सिर्फ इमाम हुसैन से थी कि ये लिख दिया तुम्हारे लिए। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटे की कुर्बानी मांगी, जिसका दुनियावी एतबार से देखें तो कोई फायदा नहीं है कि बेटे को कुर्बान करेंगे तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये इम्तहान था, इम्तहान था, और उसमें अल्लाह ने कामयाब किया, तो ये भी एक इम्तहान था। और इस चीज़ के लिए इमाम हुसैन की तरबियत की गई, अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनकी तरबियत की कि कहीं ऐसा ना होगा जब ये मौका आए तो मेरे बेटे के सब्र में कोई कमी आ जाए। और हज़रत अली के बारे में मिलता है कि उन्हें जब वो कूफा मुंतकिल हो गए थे और इराक के इलाकों में फिरते थे, तो वो इस मकाम तफ पर, करबला पर जब आए तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे इस जगह पर सब्र करना, ऐ मेरे बेटे हुसैन इस जगह पर सब्र करना। ये सब बातें उनको पता थी कि ये होगा। और आप देखें कि फिर उनकी तरबियत कैसे की गई कि सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी चल पड़े। फिर आगे से ऑफर आ रही है कि आप बैत कर लें, लेकिन उसके बावजूद नहीं की जाए। तो ये तो थी, इसके कुछ असबाब थे, इसकी वजूहत थी कि ये वाकया क्यों हुआ।
और क्यों बाकी लोग इसमें शामिल ना हुए। अब इसके बाद एक बात तो मैंने बताई कि वो सारी अहादीस उनको बचाया, वो जो अल्लाह की तरफ से इम्तहानात जिसका जिक्र किया गया था उसको बचाया। इसके अलावा फ़ायदा क्या हुआ दीन को? दीन को फ़ायदा ये हुआ कि वही लोग जो यजीद के खौफ से खामोश बैठे थे, इस वाक़या के बाद मुस्लिम उठ खड़े थे। वो कूफा वाले जो छुप गए थे, हज़रत सुलेमान इब्न सुल्त सहाबी रसूल की क़यादत में 4000 लोग फिर निकले, उन्होंने तवाबून तहरीक शुरू की कि हम अल्लाह से तौबा करेंगे, हमने हुसैन के साथ बेवफाई की। वो 4000 लोग निकले, उनको यजीद के हुक्म से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने शहीद करवाया। वो मदीना के लोग जो उस वक्त तफरके की वजह से या कत्ल वारस की वजह से बचने के लिए या मसलहत की वजह से बैत कर चुके थे, उन्होंने भी बैत तोड़ दी। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हज़रत अब्बास के बेटे, इन सब ने फिर क़यादत की और यजीद के खिलाफ जंग लड़ी। हर्रा के मकाम पर, मदीना के साथ एक पहाड़ी इलाका है हर्रा, उस मकाम पर जंग लड़ी। मक्का वाले उन्होंने भी बैत तोड़ी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर सहाबी रसूल की क़यादत में और यजीद के खिलाफ जंग लड़ी, और उसी जंग के दौरान यजीद कतल हो गया। यानी वो लोग जो खामोश थे वो इमाम हुसैन की कुर्बानी के बाद खड़े हो गए, और उसका नतीजा क्या हुआ कि एक ज़ालिम आदमी जो था वो अपना तसल्लुत पूरी ताकत से कायम नहीं कर सका, कि कहीं ना कहीं से कोई सहाबी, कोई अल्लाह का नेक आदमी उसके खिलाफ खड़ा होता गया, उसको ललकारता गया, और उसके वो जो नापाक अजायम थे वो पूरे नहीं हो सके, और इसी दौरान उसकी मौत वाकई हो गई। तो ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का एक नतीजा भी हमारे सामने आया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इतनी कुर्बानी जो दी औलाद ज़बह करवाई, उसको मौत का क्या क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि वो दर्द जो देकर गए थे वो आगे जब पहुँचा तो उसका रद्दमल भी सामने आया, और यजीद जो था उसके जो अजायम थे वो पूरे ना हो सके। हमारे नबी बदा को सवाल।